नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी एंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना 4 घंटे पहले भिगो दिया था, इसे मैंने स्टीम किया है। नीचे पानी लिया और पानी जब खौलने लगा तो छलनी में ये साबूदाना डाल दिया था जो कि स्टीम हो गया है। दो मीडियम साइज के आलू लिए जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 चम्मच काली पिसी हुई मिर्च। आप अपनी पसंद से और मसाले जो भी आप व्रत में खाते हो वो मिला सकते हैं। भुना हुआ जीरा और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। मैंने ये 1 टीस्पून नमक लिया है, कम लगेगा तो बढ़ाएंगे। कुटू का आटा लिया है मैंने, आप सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं, बाइंडिंग के लिए अच्छा रहता है। इनको मैं आपस में मैश करूंगी, बिल्कुल स्मूथली चिकना सा डो बनाना है। साबूदाना देखिए आप, स्टीम था और हल्का ल्यूकवॉर्म ही था, कितने अच्छे से मैश होता जा रहा है। इसमें अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा कुटू का आटा 1 चम्मच 2 चम्मच। आप इसमें कद्दूकस की हुई अदरक, कटा हुआ धनिया और कटी हुई हरी मिर्चा भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने साबूदाना, आलू और कुटू के आटे का प्रयोग करते हुए, हाथ में चिकनाई लेते हुए, हथेली से मसलते हुए बहुत अच्छा सा डो बना लिया है। इसे अब हम लगभग 7-8 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, डो मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो मैं थोड़ा सा एक बार और मैश कर ले रही हूँ। हाथों की चिकनाई देते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में गोले बना लेंगे। आपको मैं बताऊं, मैं ये स्माइली बनाने जा रही हूँ। चलिए बताती हूँ ये स्माइली कैसे बना रही हूँ। ये गोला लिया जिसको मैंने हाथ से चपटा कर लिया है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आटे का बेथन देते हुए आप इसके चलिए आइज बनाते हैं। आइस बन गई, अब चम्मच की सहायता से देखिए इसके मैंने ऊंट तैयार कर दिए। एक छोटी स्माइली और एक बड़ी स्माइली मैंने तैयार, मैंने इतने डो में 10 स्माइलीज तैयार किए हैं। इधर आंच पे तेल भी गर्म करने के लिए रखा है जिसे मैं इन स्माइलीज को फ्राई करूंगी। एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख रही हूँ कि ये गरम हुआ है या नहीं। गरम हो गया है, मैं धीमे धीमे अपने इन स्माइलीज को इसमें डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। के पैन में कढ़ाई में जितने ये एक तरफ से गुलाबी हो चुके हैं, इन्हें हम धीरे धीरे पलट रहे हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी
फ्राई हो सके। मैंने बाकी भी स्माइलीज को तन लिया है, इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल ले रही हूँ जिससे कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयल है तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, कितने कुरमुरे और क्रिस्पी से हैं ये मेरे स्माइली, खुश हो के कह रहे हैं कि चलिए आइए इसे खाकर हम और आप सभी खुश हो जाएं। हरी चटनी के साथ खाइए या इमली की चटनी के साथ। मेरे स्माइल करके कह रहे हैं कि हैप्पी नवरात्रि।